नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने के लिए आज जेडी के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन और इस नामांकन की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आरजेडी के दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। मीसा भारती और फयाज अहमद के नामांकन में पूरा लालू परिवार देखिए किस तरह से मौजूद रहा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा लालू परिवार जो है वो मीसा और फयाद के नामांकन में हिस्सा लेने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ था, मौजूद था। ये तस्वीरें आपके सामने, जिसमें मीसा भारती और फयाज अहमद के नामांकन के दौरान पूरा का पूरा लालू परिवार, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी, साथ ही साथ भोला यादव, ललित यादव समेत कई नेता इस दौरान मौजूद थे। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती है। और देखिए, ये दो नाम, जिन दोनों नामों को लेकर के आरजेडी ने सबसे पहले अपने पत्ते खोल दिए। दो नाम कौन से? मीसा भारती का नाम पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन दूसरा नाम फयाद का। और फयाद और मीसा भारती दोनों ने ही जब आज नामांकन भरा है, तब आरजेडी प्रत्याशियों के इस नामांकन के दौरान पूरा का पूरा लालू परिवार मौजूद था। तो आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार फयाज अहमद ने कहा कि वो लालू प्रसाद और उनके परिवार के आभारी हैं, जो उन्होंने भरोसा फयाद पर जाहिर किया, जताया है। हम तो सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, साथ में लालू जी के शुक्रिया। उन्होंने हमको, हम पर, उन्होंने और पार्टी ने विश्वास किया, हम एकदम विश्वास, उनके विश्वास के मुताबिक। तो फयाज अहमद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने नामांकन आज जो भर लिया है, मीसा भारती और फयाज अहमद, ये वो दो नाम जिन्होंने आज नामांकन भरा और लालू परिवार पर अपनी आस्था और विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि इस भरोसे के लिए, इस मौके के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं लालू प्रसाद का। और देखिए, फयाज अहमद के बारे में भी जरा जान लीजिए। मधुबनी में मेडिकल और बीएड कॉलेज इनके चलते हैं, तकरीबन 12 करोड़ की चल और अचल संपत्ति की जानकारी इन्हें लेकर आती है। मधुबनी के विस्फी से विधायक ये रह चुके हैं, विस्फी विधानसभा से दो बार ये विधायक रहे हैं और आरजेडी की तरफ से इन्हें इस बार राज्यसभा भेजा जा रहा है। हो गया मेरे भाई, जेडीयू में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर हालांकि सस्पेंस जो है अभी भी बरकरार है। जेडीयू ने अपने सर्वमान्य नेता सीएम नीतीश कुमार को इसके लिए अधिकृत कर दिया है, लेकिन वही नीतीश कुमार इस मसले पर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। इस बीच आरसीपी सिंह दिल्ली भी गए, दिल्ली से पटना वापस आ जाते हैं, लेकिन नाम तय नहीं हो पाता है। पटना में बीती रात सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात भी होती है, लेकिन 72 घंटे बाद भी देखिए सस्पेंस जस का तस है, सस्पेंस से पर्दा नहीं हटाया गया है। 24 मई 2022 को चुप्पी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिखती है इसी सवाल पर, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आरसीपी सिंह जा रही है राज्यसभा, तब भी नीतीश कुमार चुप रहते हैं। 27 मई यानी कि आज की तारीख, आज भी मीडिया के सामने नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ साफ हो जाएगा, थोड़ा वक्त, और ये वक्त आने पर तस्वीरें और नाम आपके सामने होंगे। और सबसे पहले बात जेटीयू नेता और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह की इस वक्त करनी जरूरी है, क्योंकि बीती रात जब से आरसीपी सिंह की सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात हुई है, तब से बिहार के सियासी गलियारे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू की तरफ से राज्यसभा के लिए आरसीपी सिंह का नाम पक्का हो गया है। आरजेडी तो खुलकर कहने लगा है कि बीजेपी के दबाव के आगे जेडीयू इस वक्त झुक चुका है और आरसीपी सिंह के नाम पर मोहर लगा दी गई है। हालांकि जेडीयू की तरफ से कोई भी इसे लेकर कुछ भी अभी बोलने को तैयार नहीं है। आपने खुद सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस पर कुछ भी नहीं बोले, चुप रह गए। जेडीयू सिर्फ इतना जरूर कह रहा है कि इसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता है और उन्हीं का फैसला आखिरी फैसला होगा, ये आखिरी फैसला उन्हीं की तरफ से लिया जाएगा। बीच में बीजेपी है जो सिर्फ इतना कह रही है कि आरसीपी सिंह, ललन सिंह और नीतीश कुमार
तीनों ही मिलकर ये तय कर लेंगे कि आखिर वो कौन नाम है जो जाने वाला है। इसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सर सर राज्यसभा किसको भेज रहे हैं? सर 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 ये राज्यसभा में सस्पेंस अभी तक बना है। आराम से आराम से आराम। वो तो कह रहे थे कि सम छोड़ छोड़। तो इतने सवालों का जवाब सिर्फ ये कि सब मालूम हो जाएगा, लेकिन सवाल तब भी उठता है और सवाल ये उठता है कि राज्यसभा पर आखिर ये चुप्पी क्यों है? राज्यसभा उम्मीदवार पर जेडीयू चुप क्यों है? इस सवाल का जवाब अब तक नहीं आया। उम्मीदवारों के ऐलान में आखिर जेडीयू की तरफ से देरी क्यों हो रही है? राज्यसभा पर जेडीयू का ये सस्पेंस कब खत्म होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। तो राज्यसभा उम्मीदवार पर जेडीयू में सस्पेंस बरकरार है और ऐसे में सियासी दल भी इसे लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं। सिंह जी, आदरणीय ललन बाबू और जनता दल यूनाइटेड के और बड़े चेहरे सबके नेता हैं, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और सब लोग मिल बैठ करके बिहार के जनता के हित में उचित फैसला लेंगे। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सोच समझ के उचित निर्णय लेंगे और समय पर सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। राज्यसभा चुनाव के मसले पर पूरी पार्टी, सभी विधायकों ने हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया है। हमारी पार्टी में ऐसे मसलों को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहता है। किसी भी मुलाकात के कोई अगर सियासी मायने निकालता है तो यह उनका मसला हो सकता है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सही समय पर वो सही फैसला लेंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं है और किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे, जो खबरें आ रही थी कि माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय आरसीपी सिंह जी जेडीयू से राज्यसभा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर से ये खबरें आई है कि आदरणीय आरसीपी सिंह जी के ऊपर जेडीयू ने मुहर लगा दी है, वही राज्यसभा जाएंगे। तो हो सकता है बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में जेडीयू ने ये फैसला लिया हो। अब ये क्या मामला है, क्या नहीं मामला है, ये जेडीयू जाने। जेडीयू को जिसे भेजना है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसे भेजेंगे। और बड़ी खबर अररिया से, जहां पर एसपी आवास के ठीक पास में बड़ी लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। एसपी आवास के पास लूट हुई है, दिनदहाड़े ये लूट की घटना अंजाम दी गई अपराधियों की तरफ से, जिसमें 50 से 60 लाख से ज्यादा की लूट की वारदात को अपराधी अंजाम देकर फरार हो गए। ये लूट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दिनदहाड़े की गई। 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक खुलते ही बैंक में धावा बोल दिया और लूट की घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने बैंक मैनेजर सहित अन्य जो स्टाफ उस वक्त बैंक में मौजूद थे उन्हें पहले बंधक बनाया, बैंक के शटर को गिरा दिया जाता है जिससे बाहर लोगों को ये सब कुछ सामान्य लगे। एसपी अशोक कुमार सिंह सहित पुलिस के तमाम अधिकारी जो हैं वो बैंक पहुंचकर अब अपनी पड़ताल में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अप्रोक्स 50 से 60 लाख का ये जो है कैश प्लस गोल्ड से गया है और अर्ली इन द मॉर्निंग हुआ है। 9:45 के करीब में ब्रांच इन किया, वो लोग पहले इन कर गए थे और जैसे जैसे हमारे स्टाफ आए वो उनको ये डिफ्रीज करता गया और फिर कैश का रूम बोर्ड रूम खुलवाया और फिर कैश लेके गए और बाकी सबको हम लोग को बाथरूम। अभी सर वही है कि वो लोग 4-5-6 की संख्या में थे और हम लोग एज ए कस्टमर बन के आए वो, और उन्होंने फॉर्म मांगा, RTGS वगैरह का फॉर्म मांगा और हमारे स्टाफ ने बताया कि अभी टाइम नहीं हुआ है, वेट करो, लेकिन वो फोर्सफुली घुस गए, गन उन्होंने दिखाया। 9 बजे बैंक ऑफ इंडिया में उनके स्वीपर सफाई कर्मी बैंक खोल कर अंदर चले गए थे, उसके बाद उनके दूसरे सफाई कर्मी गए, उनके साथ ही कुछ अपराधी इन कर गए और बारी बारी बैंक कर्मियों का इंतजार किए और 10 बजे तक वो लोग उनके लॉकर में रखे हुए 35 लाख रुपए लगभग लूट के और फरार हो गए हैं। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, CCTV तो
बैंक में था, लेकिन उसका DVR वगैरह निकाल के ले गए हैं। हम लोग आस पड़ोस के CCTV को हम लोग देख रहे हैं। और संवाददाता सतीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अररिया से। सतीश, SP आवास से महज 200 मीटर की दूरी पर यह बैंक है, दिन दहाड़े अपराधी घटना को अंजाम देते हैं, पुलिस क्या कुछ क्लू निकाल पाई है, किस तरह की कार्रवाई इस वक्त इन अपराधियों को पकड़ने के लिए होती हुई? जी देखिए, इतनी बड़ी घटना के बाद फिलहाल जो है पुलिस के जो हाथ हैं बिल्कुल अभी खाली हैं। और हम इसमें अपडेट दे दें कि अररिया के बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जो लूट हुई है, 37 लाख रुपए लूट की घटना जो थी, दरअसल इसका आंकड़ा बढ़ गया है। जो बैंक के जो ब्रांच मैनेजर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 37 लाख रुपया कैश था और करीब 22 पैकेट गोल्ड की लूट हुई है। तो ब्रांच मैनेजर जो है अखिलेश कुमार बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने बयान दिया है कि करीब यह लूट जो है दरअसल 1.25 करोड़ रुपए की लूट हुई है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अररिया में अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है। और दरअसल 9 बजे सुबह में जो है वो सफाई कर्मी के साथ जो है अपराधी घुसते हैं और करीब 9:45 बजे के करीब जो है जब बैंक के कर्मी आते हैं तो फॉर्म भरने का बहाना को लेकर जो है ये भी जानकारी दीजिए कि क्या इस बैंक में सुरक्षा गार्ड की तैनाती थी या नहीं थी, क्योंकि हथियार के साथ कैसे यहाँ पर ये शख्स बैंक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बड़े आराम से घटना को अंजाम दिया जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस बिंदु पर यदि बात करें तो बैंक की लापरवाही भी सामने आती है। 9 बजे सुबह बैंक खुल जाता है लेकिन वहाँ पर जो गार्ड है वो 10 बजे के बाद आते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि बैंक की भी अपनी लापरवाही है। इधर अररिया SP ने जो है बताया है कि जो CCTV फुटेज था उसका जो है हिस्सा वो अपराधी ले गए हैं। आसपास जो बैंक के अगल बगल में जो CCTV फुटेज है उसके थ्रू जो है इसको खंगालने की कोशिश कर रही है पुलिस। सीधे तौर पर बैंक की लापरवाही का फायदा अपराधियों ने उठाया है। अपराधियों ने रेखी की होगी, उन्हें जानकारी थी कि यहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी मौजूद नहीं होता है, उन्हें रोकने या टोकने वाला यहाँ उस वक्त कोई नहीं होगा जिस वक्त इन अपराधियों की तरफ से समय का चयन किया गया। सतीश, ये भी जानकारी दीजिए, चूंकि अररिया का ये इलाका और इससे नेपाल का बॉर्डर बहुत पास में, ऐसे में बहुत आसानी से अपराधी यहाँ घटना को अंजाम देकर नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बता दें कि अररिया के इतिहास में, अररिया टाउन में ये सबसे बड़ी लूट की घटना हुई है। और आए दिन जो जिस तरह से आपराधिक वारदात होती है, चूंकि अररिया जिला जो है नेपाल की खुली करीब 100 किलोमीटर की खुली सीमा से सटता है, तो अपराधियों के लिए बड़ी आसानी होती है कि घटना को अंजाम देकर वो नेपाल की खुली सीमा होकर नेपाल में प्रवेश कर जाते हैं। इसको लेकर जो हमें जो नेपाली सोर्सेस से जो खबर आ रही है, जो समकक्ष एजेंसियां होती हैं वो दोनों देश की तरफ अलर्ट मोड पर है और नेपाल की जो खुली सीमा है कई बिंदुओं पर नजर रखने को कहा गया है और अलर्ट मोड पर जो है नेपाल और भारत की पुलिस। देखना होगा कि इस अलर्ट मोड पर इस घटना के बाद जाने के बाद कितनी जल्द और सफलता जो है इन अधिकारियों को मिल पाती है, क्योंकि अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश इस जानकारी के लिए। तो आपको बताते चलें कि अब 37 लाख रुपए कैश के साथ 22 पैकेट सोने की लूट भी अपराधियों की तरफ से की गई है, जिसकी रकम तकरीबन अब 1 करोड़ से ज्यादा के पास बताई जा रही है। अररिया SP आवास से महज 200 मीटर की दूरी पर यह बैंक शाखा है और देखिए अपराधियों ने इसे टारगेट किया, BOI की शाखा में दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया क्या। छपरा सदर प्रखंड के जटुआ गांव के पास एक चर्च निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि चर्च निर्माण में लगे लोग आसपास के इलाकों में जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लोगों ने इस मामले में DM और SP को लिखित शिकायत भी की। लोगों का यह आरोप है कि आंध्र प्रदेश से आए कुछ लोग इलाके में सक्रिय हैं और लोगों को बहला फुसला कर ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दी जा रही है। DM के निर्देश पर SDO और DSP ने गांव का दौरा किया, हालांकि प्रशासन इस मामले में फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहा है। गांव वालों ने प्रशासन को एक वीडियो उपलब्ध कराया है और इस वीडियो में कुछ लोग गांव के खेत में खड़े होकर प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम लोग को विरोध है कि यहाँ पर दलित बस्ती है,
और दलित को मने भ्रमित कर रहा है, पैसा का प्रलोभन दे रहा है। बेटी को फ्री शादी कराएंगे, शिक्षा फ्री देंगे, चिकित्सा फ्री देंगे, जबरन मने धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ऐसा शिकायत है। हाँ, तीन चार आदमी को बना दिया है यहाँ पर। तीन चार आदमी बन गया। तो हम पूछा नहीं कि धर्म परिवर्तन में क्या करे पड़ी। आ तो अपना तेरे अपना भगवान को नहीं, भगवान कहना नहीं है, अपने देवी देवता का नाम नहीं लेना है, मेरे गॉड को नाम लेना है। हाँ, नहीं तो हम लोग से तो नहीं होगा। उस फिर वहाँ हमसे बोला जे अरे कुछ पैसा ले लो, पैसा से नहीं सब कुछ होता है। आपको भगवान आपको कहे आपको भोजन नहीं मिलेगा तो भगवान कहने से पेट भर जाएगा, कहीं जरूर भरेगा, जरूर भरेगा, भगवान कहने से पेट हमको भरता है। क्रिश्चियन यहाँ एक आदमी बा, यहाँ पर बताएं गिरजाघर बनी, ऐसे हमने के धर्म परिवर्तन पर लोग जोर डाला था, ये अच्छा चीज़ नहीं है। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर द्वारिकाधीश के मंदिर बा, जे कि आज बिहार के गौरव के। और ऐसे में धर्मांतरण पर न्यूज 18 के सवाल सामने आपके, जबरन धर्म परिवर्तन की ये कोशिश क्यों की जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। लोगों को लालच देकर धर्मांतरण आखिर क्यों, भोले भाले ग्रामीणों का धर्मांतरण क्यों कराया जा रहा है, और धर्मांतरण कराने वालों को इससे क्या मिलता है, ये भी अपने आप में सवाल। धर्मांतरण करने वालों को कानून का क्या डर नहीं है, धर्मांतरण से क्या लोगों की गरीबी मिट जाएगी, धर्मांतरण से खत्म हो जाएगा लोगों के बीच जिस तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, बीमारियों को दूर करने का दावा किया जाता है, धर्मांतरण से खत्म हो जाएगी सभी समस्याएं, और जबरन धर्म परिवर्तन पर प्रशासन चुप क्यों है। और संवाददाता हमारे साथ संतोष गुप्ता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं छपरा से। संतोष, आम लोगों के बीच आपकी बातचीत हुई, किस तरह से इन लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है, ये कौन लोग हैं, इन्हें किस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, और क्या ये सब कुछ प्रशासन की नजरों से दूर है? जदयू ऑफिस का फ्रेम बढ़िया से बना। संतोष, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो पहले जरा तस्वीरें देख लीजिए, इन तस्वीरों पर ही सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप ग्रामीणों की तरफ से ही लगाया जा रहा है। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश से पहुंचे हुए हैं वो लोगों को पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्हें विवश किया जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां पर जेडीयू कार्यालय में हलचल बढ़ गई है। जी हाँ, जेडीयू कार्यालय में इस वक्त ये हलचल बढ़ ही हुई है। जेडीयू नेताओं की बड़ी बैठक इस वक्त जेडीयू कार्यालय में होती हुई, बंद कमरा, लेकिन इस बंद कमरे के अंदर एक बड़ी बैठक चल रही है। बड़ी बैठक इस लिहाज से क्योंकि जेडीयू की तरफ से राज्यसभा में कैंडिडेट कौन होगा ये नाम अभी तक सस्पेंस के दायरे में ही है। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अचानक से बंद कमरे के अंदर तमाम बड़े नेताओं का जुटान और बैठक, इस बैठक को किस रूप में देखा जाए? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से आरसीपी सिंह की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, उसके बाद इस वक्त जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जदयू कार्यालय में पहुंचे हैं, तब उपेंद्र कुशवाहा, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, अशोक चौधरी, नीरज कुमार सहित कई नेता इस वक्त जदयू कार्यालय में मौजूद हैं, और गहमागहमी इस बात की है कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा। और इन तमाम जो भी नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं वे सभी लोग बंद कमरे में बातचीत कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमरा है वहाँ इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री संजय झा, अशोक चौधरी के साथ और भी कई अन्य नेता मौजूद हैं। हालांकि कोई भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन जिस तरीके से गहमागहमी की स्थिति इस वक्त जदयू में, कहा जा सकता है कि उम्मीदवार का जो चयन है, नाम कौन होगा, इस पर जल्द ही मुहर लग सकती है। खासतौर पर कल की जो मुलाकात थी आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की, उस वक्त जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी उस मुलाकात में मौजूद थे, और आज ललन सिंह जदयू कार्यालय पहुंचते हैं और वहां जिस तरीके से नेताओं की जो बैठक चल रही है बंद कमरे में, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चर्चा इस बात की ही है कि उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है,
लेकिन देखिए इस वक्त जदयू कार्यालय में गहमागहमी की स्थिति है। काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं जदयू कार्यालय की, यहाँ पर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर से पर्दा जल्द उठेगा, लेकिन ये पर्दा कब तक उठेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा, अशोक चौधरी, तमाम बड़े लोगों की मौजूदगी में इस वक्त ये बड़ी बैठक होती हुई जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।